ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि जब भगवान नई सृष्टि रचने आया तो हम भी उसके साथ हैं। जिस परम पिता से हम जन्म जन्म के लिए सहयोग मदद मांगते रहे, उसने आकर हमें अपना सहयोगी बनाया और एक बहुत सूक्ष्म प्रेरणा दी कि बच्चे तन मन धन से इस कार्य में सहयोग करो। बहुत बड़े भाग्य की बात है हम सबके लिए कि वो हमारे तन को अपनी सेवा में स्वीकार कर ले, हमारी बुद्धि को अपने कार्यों में लगा ले, हमारा थोड़ा सा धन स्वीकार कर ले। धन की उसके पास और कमी, वो चाहे तो एक सेकंड में संसार में हीरो की बरसात करा सकता है, लेकिन अपने बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, उनका मन भी ईश्वरीय कार्यों में लगे, इसलिए उसने ये सहयोग की बात कही है। इसलिए मन वचन कर्म से, तन मन धन से, अपनी योग्यताओं से, अपनी धारणाओं से हमें उसके कार्यों में सहयोगी बनते ही रहना है। ये ध्यान रखना है उसके कार्यों में हम विरोधी न बने, विघ्न न डालें। कई बाबा के ही बच्चे उसके कार्यों में विघ्न डालते हैं अपने अहम के अनुसार, अपने क्रोध के कारण। अहम और क्रोध ये दो कारण बनते हैं। यज्ञ में विघ्न पड़ने के इम्प्योरिटी कारण बनती है यज्ञ में विघ्न डालने की। हम इनसे बचें, क्योंकि भगवान के कार्यों में विघ्न डालने वाले को उसकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, वो बद्दुआएं किसी को नहीं देते, पर ऐसी आत्माएं उनके गुड ब्लेसिंग्स से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मदद से वंचित हो जाती हैं। जैसे उनका ध्यान ऐसी आत्माओं से हट जाता है तब वो संसार में अकेले रह जाते हैं। और याद रखेंगे आने वाले समय में, जबकि सभी के कर्मों के हिसाब किताब चुक्त करने का खेल और तेज हो जाएगा जो हो चुका है, बिना बाबा की मदद के कोई भी सुखी हो नहीं पाएगा, बिना बाबा की मदद के आने वाले विघ्नों को कोई पार नहीं कर पाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक हम उसके कार्यों में सहयोगी रहें, विघ्नकारी नहीं, तो उसके सहयोग के हम पात्र बन जाएंगे। अगर हमें उसके कार्य में कुछ नहीं करते होंगे तो भला वो हमारे कार्यों में कैसे कुछ सहयोग करेगा। हम सभी जानते हैं सहयोग स्नेह को बढ़ाता है, और अगर हमारा बाबा से बहुत स्नेह है तो इससे हमारे अंदर उसके कार्यों में सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। स्नेह और सहयोग जो अब हमारा भगवान के प्रति है, इसमें हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए। तो जन्म जन्म द्वापर युग के बाद भी वो हमें सहयोग करता रहेगा, क्योंकि उसे तो पता होगा किसने मेरे कार्यों में जीवन लगा दिया, डेडिकेट कर दिया स्वयं को। न केवल बाह्य रूप से समर्पित होने की बात है, लेकिन आंतरिक रूप से समर्पित हो जाना इसका परम महत्व है। तो हम ध्यान दें, अपने से पूछें, हम भगवान के इस महान कार्य में क्या सहयोग दे रहे हैं, या अपने ग्रस्त की उलझनों में ही उलझ कर रह गए हैं। याद रखेंगे, तन से सेवा करने से तन का सुख, मन का सुख प्राप्त होने लगता है। बहुत खुशी होती है उन आत्माओं को जो यज्ञ सेवा करते हैं, धन का सेवा करने से, धन का सहयोग देने से धन दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। हमने कई बाबा के गरीब बच्चों को देखा है जिन्होंने सच्चे मन से थोड़ा थोड़ा धन लगाया और आज वो बहुत संपन्न स्थिति को प्राप्त हैं। उनके परिवार भी बहुत सुंदर हैं, उनको ईश्वरीय मदद भी बहुत मिलती है। अपनी योग्यताओं का सेवा में सदुपयोग करने से हम उन्हीं योग्यताओं के स्थापक बन सकते हैं द्वापर युग के बाद, या सतयुग से ही वही योग्यताएं हमारी आगे बढ़ेंगी और हम उसको आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे। तो आइए
आज हम सारा दिन बाप दादा का आह्वान करें और महसूस करें उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा से दृष्टि देकर सारे संसार को दिन में कई बार दृष्टि दे दें। ओम।